सीएए को लेकर लोगों का संशय दूर करने को लेकर भाजपा ने राष्ट्रव्यापी जनजागरण अभियान चलाया। इंदौर में भी बीजेपी ने शहर के कई स्थानों पर लोगों के घर घर जाकर दस्तक दी और नागरिकता संशोधन बिल को लेकर लोगों का संशय दूर करने का प्रयास किया। देखिए इस रिपोर्ट में। केंद्र सरकार के द्वारा पारित किए गए नागरिकता संशोधन बिल के समर्थन में भाजपा द्वारा जनजागरण अभियान का शुभारंभ किया गया। इंदौर में भी बीजेपी के जनजागरण अभियान का असर देखने को मिला। यहां बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता अलग अलग इलाकों में जाकर लोगों से मुलाकात करते दिखाई दिए। बीजेपी के कार्यकर्ताओं नेताओं ने नागरिकता संशोधन बिल को लेकर संख्या की स्थिति दूर करने के लिए लोगों के घर घर जाकर उनसे चर्चा की। मंजूर किया मालूम है आपको उसके बारे में जी। उसके अंदर छह जातियां अपने हिंदू। नरेंद्र मोदी जी ने केंद्र के अंदर नागरिक संशोधन अधिनियम पास किया और उसके अंदर हिंदू, सिख, जैन, ईसाई, पारसी ऐसे छह जातियों को उसके अंदर शामिल, जो 2014 से यहाँ पर भारत के अंदर जो शरणार्थी कैंप में रह रहे हैं उनको यहाँ पर नागरिकता देने का प्रस्ताव पास किया जो राज्यसभा और केंद्र से दोनों से मंजूर हुआ। पूरे देश के अंदर लोगों में बड़ी खुशी है और जो लोग समझ रहे हैं उसको अच्छा मान रहे हैं, लेकिन कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी जो है ये एक वर्ग विशेष को, समाज को, मुस्लिम समाज को पीछे खड़े होकर उनको भड़का रहे हैं ये लोग कि ये आपको भगा देंगे, आपके संग ये करेंगे, लेकिन वो तो कहीं नागरिकता देने का है, किसी को ख़त्म करने का थोड़ी है। और उनको भड़का करके आप देख रहे हैं कि पूरे देश के अंदर किस तरह का वातावरण बना है। आज भारतीय जनता पूरा जो है ये नागरिक संशोधन बिल के बारे में सबको जन जन जा करके बताने हैं कि भाई ये बिल जो है किसी के लिए वो नहीं है। और जो लोग सताए गए लोग और जो भारत में 2014 इससे पहले यहाँ पर रह रहे हैं शरणार्थी कैंप में, उनको ही नागरिकता देने के लिए बिल है तो हम लोगों के घर जा रहे हैं। इसी को लेकर पूर्व बीजेपी विधायक सुदर्शन गुप्ता भी आम लोगों के बीच इस कानून के प्रति जागरूकता फैलाते नजर आए। तो ये कोई व्यक्ति का या उसका नहीं है, राष्ट्रीयता है, हिंदू समाज का है, इसका का प्रश्न है। तो अपन सबसे कुल मिलाकर बीजेपी ने तय किया कि वह सीएए के लिए जनजागरूकता अभियान चलाकर विपक्ष द्वारा फैलाए जा रहे भ्रम को दूर करेगी। इसके लिए पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता घर घर जाकर आम लोगों से मुलाकात करेंगे और इस कानून के खिलाफ फैलाए गए झूठ को खत्म करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।